हेलो स्टूडेंट, तो CSIR के लेक्चर 23 में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग लिपोसोम का 3rd लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें लिपोसोम्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिपोसोम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिपोसोम को बेसिकली अगर मैं कहूँ, लिपोसोम्स को किस बेसिस पे साइज, देखिए यहाँ पे मेंशन है साइज, उसमें लेमिलास, ठीक है, और इसके अलावा उनमें मौजूद वेसिकल्स, ठीक है, इन तीन चीज़ों के बेसिस पे सारे लिपोसोम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। SUV, LUV, MLV, MVV, ये काफ़ी इजी हैं बट कई बार टफ लगता है, तो मैं बता दूं ये क्या होते हैं। उससे पहले समझ लीजिए वेसिकल और लैमिलाज में डिफरेंस क्या है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे ULV और BLV बने हुए हैं। ULV यूनी लैमिलार वेसिकल्स हैं और BLV बाई लैमिलार वेसिकल्स हैं। तो जो ये बाहर की ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो बाहर की लेयर है, यहाँ पे देखिए ये जो बाई लेयर बाहर बनी है, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या है आपका, एक बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड, और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी इसमें दो लेयर है, ठीक है, ये दो लेयर आपको मिल रही है। तो बाहर की जो ये लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, इसको लैमिलार कहते हैं, ये लैमिला है, और अंदर जो पोर्शन है, ठीक है, अंदर का जो पोर्शन है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, ये जो है हमारा, ये लैमिला है, ये वेसिकल है, ठीक है, ये आपका क्या है, वेसिकल्स। तो लैमिला और वेसिकल्स अगर आपको पता है, बाहर की लेयर लैमिला, अंदर जो पोर है एक्वस पोर, वो वेसिकल्स है, तो अगर ये आपको पता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो साइज लैमिला और वेसिकल्स के बेसिस पे सारे जो लिपोसोम्स होंगे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। SUV के साइज़ क्या होंगे, 25 to 100 नैनोमीटर होंगे, ये काफ़ी स्मॉल यूनी लैमिलार वेसिकल्स इनको कहते हैं, जैसे ULV बना हुआ है। तो ULV को ही अगर साइज़ बहुत छोटा है तो हम क्या कहेंगे, ULV क्या है, यूनी लैमिलार वेसिकल्स। इसमें आप देखिए बाहर एक बाई लेयर का एक पैच है, एक वेसिकल है, सॉरी लैमिला है, और अंदर एक वेसिकल्स है, तो इसको यूनी लैमिलार वेसिकल्स कहेंगे। अगर इसकी साइज़ बहुत छोटी है, 25 to 100 नैनोमीटर के रेंज में है, तो हम इसी को SUV या स्मॉल यूनी लैमिलार वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, LUV क्या होगा, 100 to 400 नैनोमीटर्स के होंगे, और इनकी साइज़ ये होगी, और इनको क्या कहेंगे, लार्ज यूनी लैमिलार वेसिकल्स कहेंगे। ठीक है, आपको पता है लैमिलार क्या होता है, बाहर की लेयर, वेसिकल्स अंदर जो पोर है। अब MLV क्या होगा, मल्टी लैमिलार वेसिकल्स। ठीक है, ये देखिए मल्टी लैमिलार वेसिकल्स है। तो क्यों मल्टी लैमिलार वेसिकल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ठीक है, तीन लेयर हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, तीन लेयर हमारे पास है, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी लैमिलार या ट्राई लैमिलार, जितने लैमिलार हो, या मल्टी लैमिलार वेसिकल्स कहेंगे। इनमें इनका जो साइज होता है बेटा, वो 200 नैनोमीटर तक का, या सेवरल माइक्रोमीटर, यानी अब देखिए क्वेश्चन पूछता है GPAT में, MLV की साइज का जो रेंज होता है वो माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁹ जो नैनोमीटर की रेंज थी, वहाँ से माइक्रोमीटर्स में आने लगता है, तो 200 नैनोमीटर से बड़े होते हैं मोस्टली। अब उसके बाद आता है MVV, ये 1 माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁶ से काफ़ी बड़े होंगे, इनको जायंट वेसिकल्स कहते हैं,
इनको मल्टी वेसिकुलर वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये नीचे आपके सामने है MVV। MVV की खास बात क्या है, इसमें देखिए बाहर एक वेसिकल है, अंदर एक दूसरी वेसिकल्स है, और उसके अंदर भी आप देखिए एक वेसिकल है जिस जो लैमिलार बनाएगा, ठीक है। ये अंदर वाला मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे समझिए कि लैमिला भी बाहर के अंदर और मिला करके लैमिला भी ज़्यादा हैं और वेसिकल्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। मल्टी लैमिलार में लैमिला ज़्यादा थी लेकिन वेसिकल एक ही था। वेसिकल की अगर मैं बात करूं तो वेसिकल बेटा ये सिर्फ ये था, ठीक है, एक ही वेसिकल है, जबकि लैमिला 1, 2, 3 था MLV में। MVV की मैं बात करूं तो आप देखिए वेसिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लैमिलार भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये क्लियर है आपको, होपफुली ये क्लासिफिकेशन है। अब हम मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम या MPS, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम का क्या मतलब है कि कैसे इंगल्फ करता है सेल, सेल से जाके वेसिकल्स कैसे इंगल्फ होती है, कौन सी वेसिकल, अगर उसमें एक वेसिकल्स वाली लिपोसोम्स हैं, ठीक है, एक लैमिलार के अंदर एक वेसिकल्स है, तो एग्जैक्टली कैसे जा करके सेल से अटैच होता है, इस बेसिस पे MPS सिस्टम के बेसिस पे। अच्छा, MPS सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा, कैसे इंगल्फ होगा, ये डिपेंड करेगा ऊपर कोटिंग कैसी है। कोटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर यानी 21st लेक्चर जो है स्नाइपर सीरीज प्लेलिस्ट में आप जाइए, इसमें सारे लेक्चर में स्नाइपर्स के लिए बना रहा हूँ। 200 लेक्चर्स की सीरीज आने वाली है दिसंबर तक, जिसमें ये आपका 23rd लेक्चर है। तो आप एक लाइन से देखिए या फिर ये इस लेक्चर को आप सर्च करिए प्लेलिस्ट में, और इसके जस्ट ऊपर एक दो लेक्चर आप जाएंगे तो, या आप YouTube पे सर्च करिए प्रशांत रघुवंशी लिपोसोम पार्ट 2, ठीक है, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो उसमें आपको मिलेगा वो कोटिंग के बारे में कि अगर हम अलग अलग तरह की कोटिंग करते हैं तो अलग अलग तरह के कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम यानी MPS सिस्टम, जो कि कोटिंग पे डिपेंड करता है, वो क्या होता है। तो शॉर्ट में उसको देखेंगे, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम, ठीक है, MPS सिस्टम जो होता है उसके बेसिस पे, ठीक है, अपटेक और कोटिंग चार तरीके से होगी। पहला कन्वेंशनल, दूसरा लॉन्ग सर्कुलेटिंग, तीसरा इम्यूनो लिपोसोम्स, और चौथा कैटायनिक लिपोसोम्स, ठीक है। तो समझिएगा, कन्वेंशनल जो होगा वो उसके ऊपर एंटीजन की कोटिंग होगी, ठीक है, जो कि एंटीबॉडी बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। कोटिंग किसकी होगी बेटा, एंटीजन की, ठीक है, एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं। ये क्यों होते हैं, एंटीजन की कोटिंग होने के वजह से इनका स्पेसिफिक डिटेक्शन किया जा सकता है, इनका यूज़ किया जा सकता है डिटेक्शन में। अगर मैं एंटीजन की कोटिंग कर दूं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में अगर कोई खास एंटीबॉडी बने होंगे, जैसे कोई बीमारी है हमको, किसी पेशेंट को है सपोज़ करिए, और हमको चेक करना है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का नाम आपने सुना होगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ज़रिए हम पता कर सकते हैं। तो अगर हम लिपोसोम्स को कोटिंग कर देंगे किससे, एंटीजन से, तो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट करेगा, कलर चेंज करेगा। आप अंदर देखिए, बाहर कोटिंग एंटीजन की है लेकिन सेंटर में जो वेसिकल्स है उसमें हम कोई फ्लोरोसेंट डाई, इसके लिए आपको सेकेंड और फर्स्ट लेक्चर जो है लिपोसोम का देखना होगा, उसमें मैंने बताया है डिटेक्शन में। तो अगर इस तरह का कुछ डाई या कुछ फ्लोरोसेंस या कुछ इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होगा तो ही वो फ्लोरोसेंस दिखेगा, जिससे हमको पता चल जाएगा। पहला यूज़ ये हुआ, इसको आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और नहीं समझ में आए तो मेरा नंबर लेके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसके रिगार्डिंग मटेरियल और डाउट्स क्लियर करता रहता हूँ। आपका GPAD नाइपर क्वालिफाई करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बदले में आप मुझे दो चीज़ें कर सकते हैं, मेरा चैनल डोनेशन बेस्ड है जो लास्ट में मैं बताऊंगा या अदर लेक्चर्स में मैंने बताया है, दूसरा थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करिए,
उन लोगों को जो इनके साथ आप नाइपर क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स, उनको बताइए ताकि आप सारे लोग का अच्छा हो, भला हो, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर नहीं हुआ तो लिपोसोम्स बॉडीज में जाके डिस्ट्रॉय होगा, चूँकि ये लिपिड का बना होता है, डिसॉल्व हो जाता है और एंटीजन जो है बॉडी से निकल जाएगा। एक काम ये होगा, अगर वो एंटीजन डेड फॉर्म में है, अगर वो इम्यूनोजेनिक नहीं है, तो अगर वो इम्यूनोजेनिक है तो वो एंटीजन बॉडी में जा कर के इम्यून सिस्टम को ऑगमेंटेशन करेगा, उसको एम्प्लीफाई करेगा और हमारा इम्यून सिस्टम रेडी हो जाएगा। यानी जैसे एटेन्यूएटेड वायरस बैक्टीरिया होते हैं तो उनको बॉडी में पहुंचाने के लिए, चूँकि लिपोसोम पर्टिकुलर जगह पर ले जा कर के पहुँचा सकता है बिना डिस्ट्रॉय हुए बीच में, ठीक है, कोटिंग उसको प्रोटेक्ट करती है, तो इस तरह से हम उसको वहाँ पहुँचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल तरीका जिसमें एंटीजन की कोटिंग होती है। फिर बात करते हैं लॉन्ग सर्कुलेटिंग, इसमें लिगेंड बाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर, यानी क्या मतलब हुआ, इसमें हम कोटिंग लिगेंड की करते हैं। ये लिगेंड स्पेसिफिक होता है रिसेप्टर के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन हमेशा या तो निकोटिनिक या मस्केरेनिक रिसेप्टर से जुड़ेगा, और एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन हमेशा अल्फा या बीटा रिसेप्टर से जुड़ेंगे, हिस्टामाइन हमेशा H1 H2 जो उसके रिसेप्टर है उनसे जुड़ेगा, सेरोटोनिन अपने रिसेप्टर HT1 से लेकर के HT2 बीटा इन सब से जुड़ेगा, 7 रिसेप्टर्स होते हैं। तो द थिंग इज कि लिगेंड के वजह से क्या होगा, एक खास रिसेप्टर से जा कर के, जैसे ड्रग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करती है, उसी तरह हमारा लिपोसोम एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जा कर के बाइंड करेगा और वहाँ वो वर्क करेगा, यानी कि डिसॉल्व होगा और फंक्शन शो करेगा। तो लिगेंड की जो बाइंडिंग होती है, ऊपर जो लिगेंड हम लगाते हैं, ये उसको स्पेसिफिक बना देता है। अब इसका एग्जाम्पल हुआ जैसे कैंसर की कोई ड्रग है, तो एंटी कैंसरस ड्रग जो होगी बेटा, उसको एज ए लिगेंड हमने लिगेंड ऊपर लगाया और ड्रग को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। लिगेंड में मैंने ऐसी चीज़ लगाई, जैसे सपोज़ करिए कि कोई ड्रग है, एंटी कैंसरस ड्रग की बात करते हैं, सपोज़ करिए माइलॉइड ल्यूकेमिया के लिए, जो कि बोन मैरो के ज़रिए होने वाला कैंसर है, उसके लिए एक ड्रग है, दैट इज़ इमाटिनिब मिसलेट, ठीक है, और बहुत कॉस्टली ड्रग है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में जिसको वो ड्रग दी जा रही है उसके बॉडी में जाके वो ड्रग वेस्ट हो, हम चाहेंगे वो 100% फंक्शन शो करे। ऐसे में क्या होगा, उस ड्रग को हम अंदर रख देंगे, ठीक है, या तो अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तो लिपिड वाले लेयर में रखेंगे, अदरवाइज अंदर के वेसिकल्स में रखेंगे अगर वाटर सॉल्युबल है। इसके लिए आप पिछला लेक्चर देख लेंगे तो मच बेटर होगा, ठीक है। और क्या करेंगे, हम बाहर लिगेंड की कोटिंग करेंगे, ये लिगेंड स्पेसिफिकली डिज़ाइन होगा बोन मैरो से, पेशेंट के बोन मैरो या ह्यूमन के बोन मैरो से जाके जुड़ने के लिए, ठीक है। तो ये लिगेंड के बेसिस पे, इसके हेल्प से, ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा लिपोसोम जा करके कहाँ जुड़ेगा, बोन मैरो से जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो बोन मैरो की सेल इसको एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करेगी तो क्या होगा बेटा, ये वहाँ पे फंक्शन शो करेगा, अपनी ड्रग को रिलीज करेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे इस तरह से फंक्शन हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग सर्कुलेटिंग। ये लॉन्ग सर्कुलेटिंग का क्या मतलब है, MPS में लॉन्ग सर्कुलेटिंग का मतलब कि सर्कुलेट करके एग्जैक्ट टारगेट पे पहुँचेगा, चाहे जितना भी ज़्यादा इसको ट्रैवल करना पड़े। तीसरा क्या है, इम्यूनो लिपोसोम्स। इम्यूनो लिपोसोम्स में क्या होता है, हम इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि लिपोसोम्स के ऊपर एंटीबॉडी की कोटिंग कर देते हैं। देखिए एंटीजन मैंने बनाया है ट्रायंगुलर, तो एंटीबॉडी उसका एक, आप कह लीजिए कि एक तरह से उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे पे फिट हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऊपर का हिस्सा ट्रायंगुलर कट है, हाँ, तो एंटीबॉडी की कोटिंग मैंने कर दी। तो देखिए क्या होता है, जैसे जो पर्सन जिसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट गया, वायरस बैक्टीरिया माइक्रोब्स, और समय नहीं एंटीबॉडी बनने का, ऐसे में बनी बनाई एंटीबॉडी उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
ऐसे में भी अगर हमको एंटीबॉडी को एक खास जगह पहुंचाना है, ठीक है, या इंट्रोड्यूस, हम एंटीबॉडी को डायरेक्ट तो करा नहीं सकते, हर एंटीबॉडी डायरेक्ट ब्लड के सीरम में नहीं डाली जा सकती, ठीक है, प्लाज्मा से निकाल के बनती हैं, लेकिन हमेशा प्लाज्मा या ब्लड में डायरेक्ट नहीं डाली जाती, कई बार उनका लिपोसोम्स बनाए जाते हैं और वो लिपोसोम्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, बिकॉज पेशेंट को बार बार हम ड्रिप लगा नहीं सकते, हॉस्पिटल में बुला करके प्लाज्मा नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, तो ऐसे में लिपोसोम्स बना के दिया जाता है। आर्मीज के जो रेंजर होते हैं आर्मीज़ में, उनको ये दिया जाता है, जंगलों में वो जाते हैं तो इन्फेक्शन होगा तो बीमार पड़ेंगे, तो बनी बनाई एंटीबॉडी उनको पहले से दे दी जाती है तो वो बीमार नहीं पड़ते, जो गोरिल्ला रेंजर्स होते हैं। चलिए वो तो बाद की बात है, हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इम्यूनो लिपोसोम्स एग्जैक्टली एंटीबॉडी की कोटिंग से बनते हैं और ये बॉडी में जा करके, अब ये क्या करेगा, बॉडी में जाएगा तो एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो जिस सेल में एंटीजन रहेगी वहाँ जाकर जुड़ेगा, मेम्ब्रेन डाइल्यूट होगी लिपोसोम्स की और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन में कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, जो नीचे हेडिंग आपको दिख रहा है इंट्रैक्शन ऑफ सेल विथ लिपोसोम्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कैटायनिक लिपोसोम्स होते हैं, चौथी कैटेगरी, पॉजिटिव चार्ज कैटायन जो होता है ये रिएक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन और डीएनए से, क्यों, सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड जो होता है बेटा वो निगेटिव चार्ज होता है, ये सीएसआईआर में पूछा जा सकता है, जीपैट में भी पूछा जा सकता है और डीएनए भी निगेटिव चार्ज्ड होता है, ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है, जो मेरे बच्चे हैं जो फ्यूचर के नाइपेरियन सीएसआईआर स्कॉलर्स हैं उनके लिए होमवर्क ये है कि फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है और डीएनए है उस निगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो ये आप पता करिएगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। ऐसे समझिए कैटायनिक लिपोसोम्स जो होंगे इनकी कोटिंग जो होगी, एमपीएस वर्ड अगर आ रहा है तो कोटिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो इनकी कोटिंग कैटायनिक पार्टिकल्स की होगी, कैटायनिक आयंस की होगी, जिसके वजह से ये कैटायंस जा करके सेल मेम्ब्रेन के तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं या डीएनए के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमको स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन पे काम करना होता है, सेल के अंदर नहीं बेटा, सेल मेम्ब्रेन पे या फिर डीएनए पे, ठीक है, हमको कुछ अंदर इंट्रोड्यूस कराना होता है डीएनए के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, तो स्पेसिफिकली हम कैटायनिक कोटिंग करते हैं, इसके बारे में फर्दर लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल लिपोसोम्स हम पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए, प्लस बताइए कहाँ कमी रह गई मुझसे। मैं नाइपर एलुमनाई हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी नाइपर क्वालिफाई कर चुके हैं और ये चैनल कम्प्लीटली डोनेशन बेस्ड है, अनलेस एंड अनटिल जब तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तो अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा से अपने रिवरेंस के साथ, तो आपको मेरा अकाउंट डिटेल मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा मेरे कम्युनिटी सेगमेंट में, यूट्यूब के कम्युनिटी सेगमेंट में। साथ ही अगर आप डोनेशन करते हैं तो मुझे बताइए, मेरा नंबर पड़ा हुआ है अबाउट सेगमेंट में, वहाँ से लीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं ऐड करके इन क्लास के जो मटेरियल्स होते हैं लेक्चर्स के और कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स मैं भेजता हूँ, पर्सनली मैं बच्चों को उनके क्वेश्चन आंसर्स को डाउट्स को क्लियर करता हूँ अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा, और स्पेसिफिकली ये क्लासेस डिज़ाइन है बी फॉर्म के बच्चों के लिए जो काफ़ी ड्रीमर हैं अच्छे, जिनको नाइपर के साथ साथ सीएसआईआर एक अच्छा करियर डिज़ाइन करना है, तो सीएसआईआर नाइपर दोनों की तैयारी कैसे करें उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डोनेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उसको ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।